बाद में दिनेश कार्तिक बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं और इसी के चलते अब BCCI ने भी दिनेश कार्तिक को शो कॉज नोटिस भेज दिया है। और दोस्तों इसी कड़ी में आज इस वीडियो में मैं आपको इन तीन बैंस के बारे में या इन तीन जुर्मानों के बारे में बताने वाला हूं जो BCCI दिनेश कार्तिक के ऊपर लगा सकता है। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी MCB क्रिकेट फैमिली और IPL फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो भाई यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला बैन जो कि दिनेश कार्तिक के ऊपर लग सकता है और ये बहुत ज्यादा हार्श बैन हो सकता है लेकिन नियम अनुसार लग सकता है, वो है भाई इंटरनेशनल मैचों का बैन। हाल ही में दोस्तों दिनेश कार्तिक को उतनी ज्यादा तरजीहत इंटरनेशनल मैचों में नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर हम IPL के और BCCI के नियमों की बात करें तो दिनेश कार्तिक IPL के नियमों में फंस चुके हैं। दरअसल दोस्तों दिनेश कार्तिक को हमने मैचेस के दौरान स्टेडियम में बैठा देखा जो कि कैरेबियन प्रीमियर लीग के हुए थे, लेकिन IPL का और BCCI का नियम ये कहता है कि BCCI की इजाजत के बिना कोई भी भारतीय खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल रणजी या डोमेस्टिक T20 या लिस्टे मैचेस खेलता है, कोई भी भारतीय खिलाड़ी जो BCCI के अम्ब्रेला के अंडर में खेलता है वो BCCI की परमिशन के बिना किसी भी दूसरी लीग में फीचर आउट नहीं हो सकता। यहाँ पर फीचर आउट से मतलब है ना ही आप किसी टीम में खेल सकते हो और ना ही उनके ड्रेसिंग रूम में आप दिख सकते हैं कैमरे पर, जो कि हुआ। दिनेश कार्तिक दिखे कैमरे पर, फीचर आउट हुए, वो किसी टीम के साथ अटैच होकर दिखे। जो टीम शाहरुख खान की ही टीम थी CPL में, ट्रिबैगो नाइट राइडर, उसमें वो बैठे हुए दिखे, तो वहां पर दिनेश कार्तिक फंस रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमने देखा था कि रिंकू सिंह के ऊपर भी बैन लगा था कुछ ही दिनों पहले, 2-3 महीने पहले, और उसी के अंतर्गत इनके ऊपर भी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बैन लग सकता है। अब ये 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, वो BCCI के हाथ में है, वो चाबी सारी BCCI के हाथ में है। लेकिन पहली दिक्कत ये दिनेश कार्तिक को हो सकती है। अब देखना ये होगा कि 7 दिन के अंदर दिनेश कार्तिक किस तरह का अपना बयान देते हैं, किस तरह से अपना जवाब देते हैं। दोस्तों दूसरा बड़ा बैन जो दिनेश कार्तिक के ऊपर लग सकता है और ये भी बहुत ज्यादा हार्श बैन हो सकता है लेकिन ये जुर्माने के रूप में इन्हें लगेगा, वो होगा भाई इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बैन। दरअसल दोस्तों दिनेश कार्तिक अभी हाल ही में वर्ल्ड कप गए थे और उन्हें ईयरली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट BCCI के द्वारा मिला हुआ है, मतलब उन्हें सालाना तौर पर BCCI करोड़ों रुपए देता है इनके साथ खेलने के। उसके अलावा BCCI इन्हें पर मैच के हिसाब से मैच फीस भी देता है, इसके अलावा ये IPL से भी पैसा कमाते हैं। तो भाई सेंट्रल ईयरली कॉन्ट्रैक्ट भारत में बहुत कम खिलाड़ियों को मिला हुआ है इस समय, जिसमें दिनेश कार्तिक भी शामिल है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्त है वो भी यही है कि दिनेश कार्तिक BCCI की इजाजत के बिना दुनिया की दूसरी किसी भी लीग में फीचर आउट नहीं हो सकते। जो वो हुए हैं, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है और इसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के कारण इनके ऊपर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छीना जा सकता है, जुर्माने के रूप में वो कॉन्ट्रैक्ट इनसे ले लिया जा सकता है वापस। ऐसी स्थिति में इन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला है। हमने कुछ ही दिनों पहले देखा कि कनाडा प्रीमियर लीग, जो कनाडा की T20 ग्लोबल लीग हुई थी आई थिंक, उसमें युवराज सिंह खेले थे, क्योंकि युवराज सिंह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ईयरली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और उन्होंने BCCI से इजाजत मांगी थी, लेकिन दिनेश कार्तिक बिना इजाजत के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ CPL में फीचर हो गए हैं और उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। शायद उन्हें ये नहीं पता कि कितनी भारी उन्हें हो सकती है। और तीसरा बड़ा जुर्माना या बैन ये कहने जो कि दिनेश कार्तिक के ऊपर लग सकता है, वो है भाई IPL मैचों का बैन। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि KKR इसको बहुत तगड़ा अपोज करेगा, KKR के कैप्टन है दिनेश कार्तिक, कन्फर्म्ड कैप्टन है। ऐसी स्थिति में मुश्किल होगा कि IPL मैचों का बैन दिनेश कार्तिक पर लग जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तो यही कहती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप बहुत ज्यादा वायलेट करते हुए पाए गए, आपने बिल्कुल BCCI की नहीं सुनी, तो BCCI आपको IPL मैचों से भी 1-2-3 कर सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि अब दिनेश कार्तिक ने सुन ली है, दिनेश कार्तिक अब फीचर आउट नहीं होने वाले हैं, तो ये संभावना बहुत कम है कि दिनेश कार्तिक के ऊपर IPL मैचों का बैन लगेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये लिस्ट में था तो हमें आपको बताना पड़ा। हालांकि IPL मैचेस में कुछ मैच फीस का बैन इन पर, कुछ मैच फीस का जुर्माना आप कह लें, वो दिनेश कार्तिक पर लग सकता है, जिस पर आगे हम आपको बताएंगे। तो भाई ये वो तीन तरह के बैन या जुर्माने थे जो दिनेश कार्तिक के ऊपर इस पूरे बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत लग सकते हैं। अब 7 दिन के अंदर दिनेश कार्तिक को जवाब देना है और मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक KKR मैनेजमेंट की मदद से एक अच्छा खासा जवाब बनाकर दे देंगे, तो शायद इन पर इतना ज्यादा हार्श बैन
मेरे मुताबिक नहीं लगेगा। पिछले साल हमने देखा हार्दिक पांड्या केएल राहुल ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर बैन आईपीएल का नहीं लगा था, तो दिनेश कार्तिक ने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कार्तिक के साथ, लगना चाहिए बैन, नहीं लगना चाहिए? आप भी अपने आईपीएल का दिमाग लगाइए। केकेआर के पक्ष में क्या सही होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।